हैं। तो वहीं इसी के साथ हम नजर डालेंगे विंध्य की सुर्खियां आज क्या कहती हैं। तो इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ पंकज पटेरिया जी जुड़ गए हैं और अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आप दोनों पैनल्स का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है डीएनएन न्यूज पर। पंकज पटेरिया जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से दुर्ग नौ तनाव स्पेशल 8 जुलाई से शुरू होगी, इस खबर को किस तरीके से तरजीह दी गई है? जी हाँ, ये खबर सभी अखबारों में छापा है। इसकी वजह यह है कि अब पश्चिम मध्य रेल जो है, जो ट्रेनें बंद थी इनको फिर से चालू करने का प्रयास कर रहा है और अभी काफी ट्रेनों को चलने की संभावना है। और जी के मद्देनजर अब रेलवे स्टेशनों पे जो महाकौशल के रेलवे स्टेशन है या आसपास के, मतलब पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत जो आते हैं, इन सभी स्टेशनों पर अब यात्रियों की भीड़ है और ये डिमांड भी है। इसलिए पश्चिम मध्य रेल ने ये डिसीजन लिया कि अब और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे काफी राहत मिली क्योंकि छत्तीसगढ़ जाने वाले लोगों के लिए भी बहुत परेशानी है, लोग जा नहीं पा रहे। दूसरा एक महत्वपूर्ण खबर है हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट ने पूछा है ये गरीब बच्चों में क्यों बढ़ रहा है कुपोषण। एक महिला के बच्चे की मौत की इसने ये जनहित याचिका लगाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने बड़ी सख्ती के साथ सरकार से जवाब मांगा है और उसमें चीफ सेक्रेटरी और इनको संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को जवाब देने कहा है। और इसमें ये महिला का ये कहना है कि इसके बच्चे की मौत हो गई, वो कुपोषण से मौत हुई, इसको 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, इसको सरकार को इसमें जवाब देना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है, जो सरकार ने भी जो फैसला लिया था कि जो कई दुष्कर्म के आरोपी हैं मध्य प्रदेश की जेलों में, उनको पेरोल पे छोड़ा जाएगा। ये जो इस निर्णय के, सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगी है और उसमें इसको चुनौती दी गई है, इसमें जल्दी इसकी सुनवाई होने की संभावना है। दूसरा जो कोरोना को लेकर एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का संक्रमण कम हो गया है, लेकिन हमारी खबरें बता रही हैं कि जो कोरोना के साइड इफेक्ट है उसमें एक्सट्रीम वीकनेस लोगों को है, इसको लेके भास्कर ने बड़ी तथ्यात्मक रिपोर्ट छापी है। और दूसरा कटनी में एक बड़ा गिरोह पकड़ा है, जो वन विभाग का जो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तस्कर गिरोह को पकड़ा है, उसके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो दुर्लभ वन्य प्राणियों के जो अंग जीव है उनकी तस्करी करते थे। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश में लेकर दूसरे राज्यों तक इनके तार थे और इसकी पड़ताल ब्यूरो कर रहा है जी। दूसरा एक अपने होशंगाबाद जिले की खबर थी, वहां पे एक शादी की रात में एक दुल्हन जो है वो जेवर और नकदी लेके फरार हो गई थी, उसको जबलपुर में गिरफ्तार किया गया है। प्रमुख खबरें ये है और बाकी आप जैसा बोलेंगे वहां पर। बिल्कुल, जिस तरीके से एक सुर्खियों की तरफ नजर डालूंगी, 5,000 रुपए में डॉक्टर की डिग्री बनवाई थी, मतलब जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो मामला आया था, जो उसके डॉक्टर्स थे, जो नकली डॉक्टर्स वहां पे थे, 5,000 रुपए में वो फर्जी डिग्री यहां पे बनवाई गई थी, इस खबर को किस तरीके से तरजीह दी गई अखबारों? मैं आपको ध्यान होगा कल हमने जब अखबारों की सुर्खियों की चर्चा की थी, इस बात का मैंने जिक्र किया, कल ही हमारे जबलपुर के अखबारों में खबर कल छपी थी, उसको बड़ा डिटेल में छापा था, क्योंकि नकली रेमडेसिविर बाद में जो डॉक्टर्स पकड़े थे उनकी डिग्री भी फर्जी थी, तो फर्जी डिग्री बनाने वाला भी पकड़ा गया था, ये कल की सुर्खी।